रोहतक के साथ लगते गांव खेड़ी साग के नजदीक आईएमटी के पास झाड़ियों में से एक युवक का शव मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और जांच शुरू की। मृतक के शरीर पर गहरे चोटों के निशान मिले हैं। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि युवक की तेज धार हथियारों, लाठी डंडों व गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक की पहचान गांव मोखरा निवासी नसीब के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के परिवार को मामले की सूचना फोन पर दी, जिसके बाद मृतक के परिवार के सदस्य घटनास्थल पहुंचे। FSL टीम ने मौके पर पहुंच शव की जांच की और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए PGI भेज दिया गया। जो अपने भाई के पास रहता था बादगढ़ दवाई दुकान की बादगढ़ लाइन पर, और यहाँ अपने खराड़ गांव में भी दवाई दुकान खोल लेना चाह रहे थे और उसका दुकान काम करवा रहा था ये लड़का नवीन। यहाँ जो दवाई दुकान है उन्होंने इसको धमकी दी थी कि भाई यहाँ दुकान ना खोल, नहीं था अंजाम अच्छा मिलना। उसकी डेड बॉडी मिली है, अभी इनके परिवार वाले आगे हैं, इनके में बयान लिखकर कार्रवाई शुरू कर दी है, डेड हाउस में भेज दी है नाश को। आगे देखो तफ्तीश में जो भी कोई सूचना नहीं दी हमारे को धमकी, भाई दुकान मत खुल है, इस बारे में पुलिस को ना चौकी में ना थाने में कोई सूचना दी। आपसे ये पता लगे भाई सरपंच के पास भी गया है ये, भाई मेरे को ये दुकान खोलने से मना कर रहे हैं, क्योंकि दुकान इनकी पहले ही इन्होंने 5 लाख में दुकान मोल ली थी खररवाड़े से। खररवाड़ा जो लड़का है उसने दुकान कर ली मोखरा गाँव में, और इनका ये शक है भाई मोखरे जो खररवाड़ा है वो यहाँ दुकान खुलवा रहा है। इनका पहले ये फैसला हुआ था कि भाई यहाँ दुकान आप मत खोलना, तो इसे जोड़ के देखा जा रहा है। तो प्लीज़ देखो क्या आता है, आगे फरसा भी दिखाई दे रहा है और सिलाई का टूटा पड़ा ये तो दिख रहा है सामने, और फायर भी हो रहे हैं। मृतक के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि मृतक गांव खेड़ी साग में दवाइयों की दुकान चलाता था। मृतक नसीब सुबह 6:30 बजे घर से गांव खेड़ी साग दुकान के लिए निकला था। मृतक के भाई का कहना है कि उनकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। मृतक के भाई ने इस बात की जानकारी दी कि गांव खेड़ी साग में दवाइयों की दुकान करने के दौरान दूसरे दुकानदार ने उन्हें दुकान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत भी सरपंच और पुलिस को की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मृतक के परिवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये मेरे पास रहा करता भाई, छोटा भाई था चाचा का लड़का, तो मैं सोचा भाई इसको भी सेट कर दें, इसका भी मेडिकल स्टोर मेरा खुद का केमिस्ट है, मैं सोचा भाई इसका भी केमिस्ट करवा दें तो सारी चीज़ होगी भी ठीक है। जिस दिन फाइल वाइल लगा दी सारी चीज़ होगी, सारा काम होने के बाद हमने जो फट्टे वगैरह लकड़ी वगैरह प्लाई वगैरह ले कर रखी, उस दिन ये जो सुमित नाम का जो हमने दुकान खरीद ली है उसे कलाहौड़ में, उसे 4-5 मकान दूसरी तरफ वो आया, वो बोला बोला भाई एक का दिन दुकानदारी करेगा, अगर यहाँ मेडिकल स्टोर करेगा तो एक ही दिन करेगा, गोली से उठा देंगे, एक पहला और आखिरी दिन वही होगा। तो हमने मकान मालिक को बताई, मकान मालिक ने उनके घर पर बुलाना दिया, पूरे घर वालों को पता इस बात का, सरपंच को भी पता है भैया ये बात हुई, पूरे गांव में जो जो मौजूद आदमी उनको सबको बताया भैया इस प्रकार की है, और भाई ये कानून हाथ में ले रहे इस प्रकार। तो बस जी उसके बाद फिर उन एक दिन ये बीच में ही पकड़ा है, उस दिन तो बच कर चला गया, लेकिन यो कल 6:30 बजे निकला IMT के लिए और 6:30 बजे इसको डंडो लाठियों बिट्टो और पता नहीं कितनी गोलियां मार रखी है, बिल्कुल चप्पू भी है जी, बिल्कुल गौ हत्या करी गई है, कोई किसी से कोई रंजिश नहीं है हमारी, कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार का, उसके बावजूद भी हमारे साथ एक गौ हत्या कर दी। हाँ हम तो जी हाथ जोड़ गए, रिक्वेस्ट करा हमने इंसाफ दवा दो,